आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। अन्नदाताओं के कल के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि अगर सरकार कृषि कानूनों से पीछे हट जाती तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब अगर सरकार कृषि कानूनों से पीछे नहीं हटेगी तो भारत में भी लोग रूस की तरह सड़कों पर उतर जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। सरकार जनता के गुस्से को समझ नहीं रही है। जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन से देश की जनता केंद्र सरकार से काफी नाराज है और कल अन्नदाता दिल्ली पहुंच गए हैं। शिवसेना ने सवाल उठाते हुए कहा कि 26 जनवरी की परेड के बाद जो हालात बने हैं उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम सही मायने में लोकतंत्र हैं? बिहार में आरजेडी को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव ने थामा बीजेपी का हाथ, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में हुए शामिल। कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त 20 करोड़ डोज खरीदेगा अमेरिका। अमेरिका में अब तक 4,00,000 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। उत्तर प्रदेश सरकार अब उन कंपनियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी जो वक्त पर नहीं भरते बिजली बिल। कल 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस पर राजधानी में दो परेड निकाली गई। एक परेड सरकार की ओर से राजपथ पर निकाली गई तो दूसरी परेड अन्नदाताओं ने निकाली। अन्नदाताओं की ट्रैक्टर मार्च में शामिल कुछ अन्नदाताओं ने अपने तय रूट पर ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन कुछ अन्नदाता तय रूट से अलग दिल्ली के दूसरे रास्ते पर निकल गए। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर इसी बीच तनाव बढ़ता गया। दोनों ओर से बल का प्रयोग किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 लोगों पर FIR की है। साथ ही सिंधु, गाजीपुर और टिकरी के आसपास के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कल इस हंगामे को देखते हुए पंजाब की यूनियंस की 12 बजे मीटिंग हुई, साथ ही 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। बता दें कि कल के हंगामे के बाद अब ड्रोन कैमरे से लाल किले की निगरानी की जा रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।